मेजर जनरल इयान कार्डोजो। क्या अक्षय के ऊपर है फिल्म को लेकर प्रेशर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। अक्षय कुमार जल्द अपनी अपकमिंग फिल्म गोरखा के साथ हमें नजर आने वाले हैं। अक्षय के इस अंदाज के लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि अक्षय इस फिल्म में मेजर जनरल इयान कार्डोजो के रोल प्ले करते नजर आएंगे, तो आज हम उन्हीं की लाइफ से जुड़ी कुछ कहानी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इयान कार्डोजो अगस्त 7, 1937 में बॉर्न हुए थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में। उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी से अपनी ग्रेजुएशन की, जिसके बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी हिस्सा हुए, जिसमें उन्होंने 5 गोरखा राइफल्स को ज्वाइन किया। उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्हें कमीशन दिया गया, जिसमें वो गोरखा राइफल्स के 5th रेजिमेंट के 1st बटालियन बने और उसकी कमान संभाली, जिसमें उन्होंने 2 वॉर किए, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 और इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, और वो 1st NDA कैबिनेट बने, जिसमें उन्हें गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल्स मिले। और इसी स्टोरी पर कुछ बेस्ड है अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म गोरखा। पर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या अक्षय उनके इस किरदार को जस्टिस दे पाएंगे, क्या ऑडियंस करेगी उनके इस किरदार को पसंद। चलिए आपको बताते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि अक्षय कुमार एक वर्सेटाइल एक्टर में से एक हैं। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग किरदार किए हैं, लोग भी उन्हें काफी पसंद करते हैं। पर जैसे कि आपको पता है कि अक्षय की लास्ट 2 फिल्में फ्लॉप रही, जिसके मेन रीजन उनकी एक्टिंग ही है, जो ऑडियंस को ज्यादा पसंद नहीं आई। अब ऑडियंस की उनसे एक्सपेक्टेशन कम हो गई है, पर अगर वो इस किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं और इयान कार्डोजो को जस्टिस देते हैं, फिल्म को जल्द ना खत्म करके थोड़ा टाइम लगातार फिल्म पर काम करते हैं, तो शायद फिर से ऑडियंस उन्हें पसंद कर सकती है और उनका करियर फिर से एक ग्रोथ करेगा। क्या आप एक्साइटेड हैं अक्षय कुमार की गोरखा फिल्म के लिए? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही बॉलीवुड की चटपटी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।